सेंटर में आई यूज़ टू स्टैंड इन फिल्म सेंटर, रिकॉर्डिंग होती थी, दरवाजे के बगल से आना जाना लगा रहता, मैं बगल में खड़ा रहता था। तो आडियो मोमेंट थोड़ा बाथरूम के लिए निकलते थे पैसेज से, तो उस पैसेज में जाकर खड़ा हो जाता था, दादा सुन लो, तुम कल के हो, तो कल 3 साल हो गए। एंड बस वही फिर लगा, 15 दिन 1 महीना लगा, एंड देन फाइनली ही कॉल्ड मी एंड वी डिड आनंद और आनंद। मैं आवारा ही सही, दिल मेरे दिल जैसा देखा ना होगा कभी, हो मैं आवारा ही सही। रिदम का इतना अच्छा एग्जीक्यूशन, वो कम हुआ था, बेस्ट नाइस रिदम की काट आती थी, स्टॉप आता था, और वो जो उसके गाने के साथ वो जितना उसकी वैराइटीज लाते थे, जब गाना रिकॉर्ड करने से पहले मैं उनके म्यूजिक रूम में जाता था, सब जाते थे, गाना सीखता था, और वो कैसेट में गाना देते थे, बोले इसको तू याद कर ले और हर गाने को बाय हार्ट याद करो, नॉट द वर्ड्स द ट्यून, इतना बाय हार्ट कर लो कि फट करके बोलो तो गाना अंतरा तो अंतरा चालू हो जाना चाहिए। तो मैं घर में आया और सब मेरे सब घर वाले बैठे थे, तो मैंने गाना लगाया, वो गा रहे थे। उसके बाद जब अंतर आता है तो अंतर के पहले उन्होंने एक 4-5 मोटी मोटी गाली, ए साला ए, अरे मैं बोले ये क्या हो गया बंद किया। वो मैंने फ़ोन किया, मैंने पंचन में क्या है यार तू गाली, बोला तेरे को मालूम नहीं मेरा स्टाइल, बोला मैं ऐसे ही बोलता हूँ। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम सातो जन्म मिलते रहे हो जैसे तारा। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, खिलौना रोना छुपके से सोना, चाहे टूट जाए सपना सलोना सलोना। तो ये गाना किशोरदा के साथ था, फिर परिचय का गाना था, वो सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, very often you hear a tune and you say this is definitely a Pancham song written by Gulzar, or there is a certain kind of style and you hear it and you say this definitely comes from a Nasir Hussain film. जनरली हम रसोई में ज़्यादा पीते भी थे, रसोई में खड़े होकर ही पीते थे, क्योंकि ये आपस में रेसिपीज जो थे वो एक दूसरे से लेते रहते थे। तो मैंने पंचम को बोला, मैंने बोला पंचम यार ये मुखड़ा है सनम तेरी कसम का, सनम तेरी कसम कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम ना होंगे हम सनम तेरी कसम। बोला यार मुखड़ा तो अच्छा है, तो उसने खड़े खड़े ही ना, वो दो पतीले पड़े हुए थे, तो उसने यूं यूं करके बजाना
कितने भी तू कर ले सितम।